Anatomy of the ear. Anatomy means study of structure of animal and their parts. Parts of the ear. Basically, ear ko for study three parts mein divide kiya gaya hai. First one is outer ear, second one is middle ear, and third one is inner ear. Now first we will study about outer ear. In outer ear we will discuss about pinna, and second one is ear canal. ये two main parts outer ear में lie करते हैं. First we will study about in outer ear pinna. Outer visible part of the ear situated at 30 degree of the head. बाहर ज़ाहरी तौर पे नज़र आने वाले हिस्से को हम बोलते हैं पिन्ना. It is made up of cartilage, जो कि cartilage का बना होता है, जिसे हम मरमरी हड्डी कहते हैं. यह बहुत सॉफ्ट होता है जो कि हमें बाहर से नज़र आता है. Lower part of pinna is called lobule. अब जो छोटा सा मांस नीचे लटक रहा होता है उसे हम बोलते हैं लोब्यूल. पिना इज कनेक्टेड विद ईयर केनाल. पिना ईयर केनाल से कनेक्टेड होता है. ईयर केनाल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नाउ फंक्शंस. पिना के फंक्शन क्या हैं, क्या काम करता है पिना? पिना इज सर्व्स एज एन एंटीना एंड कैच साउंड एंड सेंड टू द ईयर केनाल. पिना एक एंटीने का काम करता है जो कि आवाज़ को कैच करता है और आगे सेंड कर देता है ईयर केनाल में. नाउ ईयर केनाल एवरेज जो लेंथ होती है ईयर केनाल की, डेट इज़ 25 मिलीमीटर एंड एवरेज विड्थ इज 7 मिलीमीटर. इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है. ये अक्सर पीपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट, वन साइड इज कनेक्टेड विद पिन्ना एंड सेकेंड साइड इज कनेक्टेड विद ईयर ड्रम. ईयर केनाल एक छोटी सी पतली सी बारीक सी नाली होती है जिसमें जिसकी एक साइड पिन्ना से अटैच होती है और दूसरी साइड अटैच होती है ईयर ड्रम से. अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईयर केनाल. It contains wax producing glands and hairs to protect ear from worms and other things from damage. ये एक बारीक सी नाली होती है जिसमें कुछ ऐसे glands और hair होते हैं जो कि worms या किसी damage को हमारे कान तक नहीं जाने देते. Wax इस type की होती है जिसे हम बोलते हैं कान की मैल. कोई भी ऐसी चीज़ अगर हमारे कान में चली जाती है तो ये glands wax produce करते हैं और जो चीज़ जाती है वो उसी वैक्स के साथ चिपक जाती है और वो हमारे कान के अंदर नहीं जा सकती, जिसको हम साफ़ कर लेते हैं. अब इसका फंक्शन ये है कि इट पासिस साउंड टू ईयर ड्रम. ये आवाज़ को नेक्स्ट ईयर ड्रम तक भेज देते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया. मिडल ईयर. इन मिडल ईयर वी विल स्टडी अबाउट ईयर ड्रम and second one is ossicular chain. Now eardrum, very sensitive oval shaped organ of the ear. Eardrum बहुत ही नाजुक organ होता है जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं. सरफेस एरिया इज 64.3 मिलीमीटर स्क्वायर, जो कि 64.3 मिलीमीटर स्क्वायर का होता है. इसे हम कान का पर्दा बोलते हैं और यह बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत नाजुक होता है. अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन टेक साउंड फ्रॉम ईयर केनाल एंड पासिस टू हैमर. ये ईयर केनाल से एक आवाज़ को लेता है और हैमर तक पहुंचा देता है. हैमर जो कि ओसिकुलर चेन की फर्स्ट बोन है,
वहाँ तक ये आवाज़ को पहुँचा देता है। नाउ ऑसिकुलर चेन, दीज आर थ्री ईयर बोन्स कनेक्टेड विद ईच अदर। ये तीन हड्डियाँ होती हैं जो कि आपस में जुड़ी होती हैं और इन्हें हम बोलते हैं ऑसिकुलर चेन। दीज आर स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जिस्म की सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? दे पासिस साउंड टू कोकलिया। इनकी मूवमेंट की वजह से आवाज़ कोकलिया तक पहुँच जाती है। अब ऑसिकुलर चेन में कौन सी हड्डियाँ होती हैं? फर्स्ट वन इज़ हैमर, सेकेंड वन इज़ इनकस एंड थर्ड वन इज़ स्टेपीज। ये जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सारी हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं और इन तीनों हड्डियों को हम बोलते हैं ओसिकुलर चेन। नाउ हैमर, हैमर डेट इज़ आल्सो कॉल्ड मैलियस। हैमर को हम मैलियस भी बोलते हैं। इट्स शेप लाइक अ हैमर। इसकी जो शेप है वो एक हथौड़ी की जैसी होती है। इट्स वन साइड इज़ कनेक्टेड विद ईयर ड्रम एंड अदर विद एनविल। अब हैमर की एक साइड कनेक्ट होती है ईयर ड्रम के साथ और दूसरी साइड कनेक्ट होती है एनविल के साथ। एनविल जो कि ओसिकुलर चेन की दूसरी हड्डी है उसके साथ हैमर जुड़ी होती है। इट्स वेट इज़ 25 मिलीग्राम। ये 25 मिलीग्राम की होती है। अब इसका फंक्शन क्या है? इट्स पासिस साउंड प्रेशर टू एनविल। अब जो साउंड प्रेशर होता है वो हैमर एनविल पे ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, नाउ एनविल, एनविल डेट इज़ आल्सो कॉल्ड एनकस। इसको हम एनकस भी बोलते हैं। इट्स शेप इज़ लाइक अ टीथ। अब इसकी जो शेप है वो एक टीथ की तरह होती है, दांत के जैसी होती है। इट्स वन साइड इज़ कनेक्टेड विद हैमर एंड अदर साइड इज़ कनेक्टेड विद स्टेपीज। अब इसकी एक साइड हैमर के साथ जुड़ी होती है और दूसरी साइड होती है स्टेपीज के साथ। इट्स वेट इज़ 30 मिलीग्राम। और जो इसका वज़न है वो 30 मिलीग्राम होता है। फंक्शन, अब एनविल का फंक्शन क्या है? इट पासिस साउंड प्रेशर टू द स्टेपीज। अब जो साउंड प्रेशर हैमर ने इसको ट्रांसफ़र किया था, एनविल आगे से स्टेपीज में वो ट्रांसफ़र कर देती है। नाउ स्टेपीज, इसको हम स्टिरिप भी बोलते हैं। इट्स वन साइड इज कनेक्टेड विद एनविल एंड अदर विद ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया। अब स्टेपीज की एक साइड एनविल के साथ जुड़ी होती है और सेकेंड साइड कोक्लिया के साथ अटैच होती है। इट्स वेट इज़ 3 to 4 मिलीग्राम। इसका वेट सबसे कम होता है जो कि 3 to 4 मिलीग्राम होता है। इट्स वन साइड इज़ कॉल्ड हेड एंड अदर फुट प्लेट। ये टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसकी जो ऊपर वाली राउंड साइड होती है उसे हम बोलते हैं हेड एंड सेकेंड वन इज़ फुट प्लेट जो कि आप डायग्राम में पहले देख चुके हैं। इट्स स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ऑल। अब ये इन तीनों में से भी सबसे छोटी बोन होती है। फंक्शन, इट पासिस साउंड प्रेशर टू द कोक्लिया। अब जो साउंड प्रेशर पहले हैमर के पास होता है, देन एनविल, देन स्टिरिप। अब ये जो स्टेपीज के पास प्रेशर होता है ये ट्रांसफ़र कर देते हैं कोक्लिया को। ये जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इसकी हेड एंड फुट प्लेट। ठीक है, इस फुट प्लेट के साथ वो ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया के साथ जाके अटैच हो जाती है। नाउ कोक्लिया, ये कोक्लिया की डायग्राम है। ये जो इसमें राउंड शेप है ये आप गौर से ध्यान से देख लें। कोक्लिया, इट्स द स्नेल शेप ऑर्गन ऑफ द ईयर। ये जो जैसे कि आपने पहले डायग्राम में देखा है ये स्नेल की तरह से राउंड शेप में होता है। इट इज़ फील्ड विद वाटरी लिक्विड, जो कि वाटर की तरह एक लिक्विड होते हैं उससे ये फिल होता है। इट्स 335 मिलीमीटर लॉन्ग एंड मेक 2.5 टर्न्स ऑन इट्स एक्सिस।
ये 35 मिलीमीटर लंबा होता है, और जैसे कि आपने पहले डायग्राम में देखा है कि ये राउंड शेप में होता है, तो ये अपने ही एक्सिस के दरमियान मतलब दो मरतबा राउंड लेके गोल हो जाता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोकलिया विच कंटेन्स हेयर सेल। अब कोकलिया का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टिक्स। ये अक्सर पीपीएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोकलिया, देन दैट इज़ ऑर्गन ऑफ कॉर्टिक्स। इसको आपने जहन में रखना है। इट्स वन साइड इज़ कनेक्टेड विद स्टेपीज विया ओवल विंडो एंड अदर विद ऑडिटरी नर्व। अब इस कोकलिया की एक साइड तो स्टेपीज के साथ अटैच होती है ओवल विंडो के ज़रिए, जैसे कि हम पहले स्टेपीज में पढ़ चुके हैं, और जो इसका एंड होता है कोकलिया वो होता है ऑडिटरी नर्व के साथ अटैच। नाउ इट्स फंक्शन, कोकलिया का मेन फंक्शन क्या है? वाइब्रेशंस कमिंग फ्रॉम स्टेपीज आर पास्ड ऑन टू ऑडिटरी नर्व्स। अब जो वाइब्रेशंस हमें स्टेपीज से मिलती हैं, ये उन वाइब्रेशंस को पास कर देते हैं टू द ऑडिटरी नर्व्स। इसकी टू विंडोज़ होती हैं, फर्स्ट वन इज़ राउंड विंडो एंड सेकेंड वन इज़ ओवल विंडो। नाउ कोकलिया ऑफ बोथ साइड ऑफ द ईयर आर वेरी क्लोज एंड वन आर टोन इन बोन कंडक्शन इज़ प्रेजेंटेड टू वन कोकलिया, अदर कोकलिया वाइब्रेट्स सिमिलर टू अदर। अब जो हमारे बॉडी में टू कोकलिया होते हैं, मतलब दोनों कानों में एक एक कोकलिया होता है, और वो कोकलिया बहुत करीब होता है एक दूसरे के, इसलिए जब हम बोन कंडक्शन में साउंड देते हैं एक कान में, तो मीन्स हम एक कोकलिया को साउंड देते हैं और दूसरा उसी के बराबर वाइब्रेट करता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, ये था कोकलिया। नेक्स्ट ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व्स को हम एट्थ क्रेनियल नर्व्स भी बोलते हैं। नर्व्स फाइबर्स कमिंग फ्रॉम कोकलिया मेक अ बंच विच इज़ कॉल्ड ऑडिटरी नर्व्स। अब जो नर्व्स कोकलिया से निकल कर आती हैं वो एक गुच्छा सा बना लेती हैं, एक गुच्छा सा बन जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स। वन साइड इज़ कनेक्टेड विद कोकलिया, जिसकी एक साइड कोकलिया से कनेक्ट होती है, एंड अदर विद ब्रेन, जो कि फाइनली दूसरी साइड इसकी ब्रेन से कनेक्ट होती है, जिससे हमारी आवाज़ ब्रेन तक पहुंच जाती है। अब इसका फंक्शन ये है कि जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं पास करती हैं साउंड को टू द ब्रेन, तो इस तरह से आवाज़ हमारे ब्रेन तक चली जाती है। नेक्स्ट सेमी सर्कल केनाल्स, इसे हम वेस्टिबुलर लिब्रंथ भी बोलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो जो तीन आपस में राउंड राउंड हुए हुए हैं, तीन केनाल्स हैं एक दूसरे के ऊपर राउंड हुई हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर केनाल्स। देयर आर थ्री सेमी सर्कुलर केनाल्स, ये तीन होती हैं। अब इसका जो मेन फंक्शन है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन हेयरिंग प्रोसेस ऑफ द ईयर, रादर दे मेंटेन बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये जो सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं, इनका हेयरिंग प्रोसेस में कोई पार्ट नहीं होता, ये हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करती हैं। एनी डैमेज टू सेमी सर्कुलर केनाल्स विल इफेक्ट द बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर इनमें सेमी सर्कुलर केनाल्स में कोई डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है, तो हम बैलेंस फील नहीं करते। ये हमारे बेसिकली बैलेंस को कंट्रोल करती हैं। इयूशन ट्यूब, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इयूशन ट्यूब, इट लिंक्स द मिडल ईयर विद नेसोफेरिंक्स नोज पार्ट। इयूशन ट्यूब का भी हेयरिंग प्रोसेस में कोई पार्ट नहीं होता, ये मिडल ईयर को नाक के ज़रिए अटैच करते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट मेंटेन द प्रेशर ऑफ एयर इन द मिडल ईयर।
अब ये मिडल ईयर में जो एयर का प्रेशर होता है ये उसको मेंटेन करते हैं. एक्सेसिव एयर कमिंग फ्रॉम ईयर इज़ रिलीज्ड फ्रॉम नोज. अब अगर मिडल ईयर में बहुत ज़्यादा हवा हो जाती है देन यूशन ट्यूब के ज़रिए वो नोज से रिलीज़ हो जाती है, नाक के ज़रिए निकल जाती है. समटाइम्स एक्सेसिव एयर प्रेशर कमिंग फ्रॉम नोज इज़ रिलीज्ड फ्रॉम ईयर. और समटाइम बहुत ज़्यादा जो एयर प्रेशर हो जाता है वो हमारे कानों के ज़रिए निकल आता है. जैसे अक्सर हमने यह बात सुनी होगी कि हमारे तो कान से धुआं निकल आया, तो ये वही प्रोसेस है कि जब आपके मिडिल ईयर में बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर बन जाता है गुस्से की वजह से या डर की वजह से या खौफ की वजह से, इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है हवा का तो वो या तो हमारे नाक के ज़रिए या कान के ज़रिए बाहर निकल आता है. और ये काम करता है यूशन ट्यूब. रूट्स ऑफ साउंड कंडक्शन. अब ये तो हमने पढ़ लिया कि आवाज़ किस तरह से हमारी ब्रेन तक जाती है, लेकिन इसके टू रूट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ एयर कंडक्शन रूट, जिसे हम बोलते हैं एसी, एंड सेकंड वन इज़ बोन कंडक्शन रूट, जिसे हम बोलते हैं बीसी. लेकिन ये जो हमारी नॉर्मल हेयरिंग होती है ये थ्रू एयर कंडक्शन होती है. इसमें इस तरह से होता है कि सबसे पहले जो पिन्ना होता है वो एयर को कैच करता है, पिन्ना आवाज़ को कैच करता है, देन वो उस साउंड प्रेशर को भेज देता है ईयर कैनाल के ज़रिए ईयर ड्रम पे. ईयर कैनाल सेंड साउंड टू ईयर ड्रम. सबसे पहले आवाज़ पिन्ना कैच करता है और ईयर कैनाल के ज़रिए वो जो एक बारीक नाली होती है उसके ज़रिए आवाज़ पहुंच जाती है ईयर ड्रम में. फिर ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है एंड पुश हैमर, और हैमर को पुश करता है. हैमर स्ट्राइक्स एनविल एंड एनविल मूव्स स्टिरिप. अब ये जो तीन हड्डियाँ हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरिप, ये बैक एंड थ्रो मोशन की वजह से आवाज़ को कोकलिया तक पहुंचा देते हैं. सबसे पहले आवाज़ पिन्ना में आएगी, पिन्ना ईयर कैनाल के ज़रिए आवाज़ पहुंचा देता है ईयर ड्रम में. ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और आवाज़ को पुश कर देता है हैमर के पास, हैमर से एनविल एंड एनविल से स्टेपीज. ठीक है, फिर स्टेपीज से आवाज़ जाती है हमारे कोकलिया में विया ओवल विंडो. ओवल विंडो के ज़रिए आवाज़ चली जाती है कोकलिया में. कोकलिया पासिस द साउंड टू ऑडिटरी नर्व्स. कोकलिया से आवाज़ जाती है ऑडिटरी नर्व्स में. ऑडिटरी नर्व्स सेंड साउंड टू ब्रेन, और ऑडिटरी नर्व्स जो होती हैं वो आवाज़ को पहुंचा देती हैं ब्रेन में. इन एयर कंडक्शन प्रोसेस आउटर मिडल ईयर शुड बी फंक्शनल. अब एयर कंडक्शन में हमारा आउटर और मिडल ईयर फंक्शनल होना चाहिए, मींस उसमें कोई डैमेज या डिफेक्ट नहीं होना चाहिए. अगर इसमें डिफेक्ट होगा तो आवाज़ हमारे इनर ईयर तक नहीं जा सकेगी. मींस अगर हमारी डिफेक्ट हो जाता है मिडल ईयर में जिसकी वजह से आवाज़ आउटर ईयर में नहीं जाती, मीन्स हमें कोई डिफेक्ट हो जाता है, कोई ख़राबी हो जाती है मिडल ईयर में जिसकी वजह से आवाज़ इनर ईयर तक नहीं जा सकती, तो एयर कंडक्शन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो नहीं हो पाता. और आवाज़ जब तक इनर ईयर तक नहीं जाती इट मीन्स वो आवाज़ को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचती. नाउ सेकेंड वन इज़ बोन कंडक्शन. बोन कंडक्शन मीन्स सर की खोपड़ी से आवाज़ को पहुँचाना. इन केस अगर आपका आउटर और मिडल ईयर फंक्शनल नहीं है देन हम साउंड को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू कोकलिया, देन हम साउंड को डायरेक्ट कोकलिया में पहुँचाते हैं देन बोन ऑफ स्कल. कान के पीछे एक हमारी मोस्टराइड बोन होती है जिसके ऊपर हम बोन ऑसिलेटर को पहना देते हैं जिससे वाइब्रेशंस निकलती हैं और वो डायरेक्ट हमारे इनर ईयर में जाती हैं.
इन बोन कंडक्शन प्रोसेस इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड शुड बी मॉडरेट इनफ टू मूव द स्कल। अब इसमें जो हम इंटेंसिटी देते हैं या जिस फ्रीक्वेंसी पे हम टोन देते हैं वो इतनी हाई होनी चाहिए कि जिससे हमारा सारे कहते हैं ना कि खोपड़ी हिल जाती है हमारी, हमारी आवाज़ डायरेक्ट इनर ईयर में जाती है, देन इनर ईयर कोकलिया में जाती है, देन ब्रेन। इसमें हमारा ये होता है कि ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 16 हर्ट्ज, एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 16 हर्ट्ज स्कल मूव फ्रॉम ऑल द फोर्थ डायरेक्शन। इसमें आवाज़ मतलब जिस ये इससे यही मुराद है कि हमारी खोपड़ी चारों तरीके से हिल जाती है। इन बोन कंडक्शन, बोन कंडक्शन तब की जाती है अगर आपका आउटर और मिडल ईयर फंक्शनल नहीं होता। जब हमारी आवाज़ आउटर और मिडल ईयर में नहीं जा सकती तो वह इनर ईयर में किस तरह से जाएगी। अब हम इसमें आउटर और मिडल ईयर को स्किप कर देते हैं और हम बोन ओसिलेटर के ज़रिए आवाज़ को डायरेक्ट पहुंचाते हैं कोकलिया में, इनर ईयर में। जब आवाज़ हमारी डायरेक्ट इनर ईयर में जाती है देन ऑडिटरी कैनाल टू ब्रेन, और वो आवाज़ ब्रेन तक पहुंच जाती है। ये टू रूट्स हैं। एयर कंडक्शन में आवाज़ थ्रू प्रॉपर चैनल जाती है, जबकि बोन कंडक्शन में आवाज़ थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाती। इसमें आवाज़ डायरेक्ट आपके इनर ईयर में जाती है एंड देन टू ब्रेन। बोन कंडक्शन उस केस में किया जाता है जब आपका आउटर और मिडल ईयर फंक्शनल नहीं होता, उसमें कोई डैमेज होता है जिसकी वजह से आवाज़ नहीं जा सकती। एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन के बारे में मैं कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।